हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले जिन लोगों को आईटी बैंड पेन सिंड्रोम होता है, जिन लोगों के नी के आउटर साइड पेन होता है उसको कम करने के लिए हमें मसाज कैसे करना होता है। गाइस, इससे पहले हमने देखा था कि जिन लोगों को नी के अंदर वाले साइड पे पेन होता है वहाँ पे मसाज कैसे करना है, या जिन लोगों को नी के पीछे वाले साइड पे पेन होता है वहाँ पे मसाज कैसे करना है, उस दोनों वीडियो को आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। इसलिए गाइस, आज के वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को आईटी बैंड पेन सिंड्रोम है, जिन लोगों के नी के आउटर साइड पेन होता है। तो गाइस, जिन लोगों को आईटी बैंड पेन सिंड्रोम होता है, उन लोगों को नी के आउटर साइड पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। उसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप ज़रूर देखिए। उस एक्सरसाइजेस के साथ साथ आज मैं जो मसाज थेरेपी बताने वाला हूँ वो भी आप फॉलो कीजिए, दोनों की हेल्प से आपका नी के आउटर साइड वाला पेन एकदम से कम हो जाएगा। तो गाइज, चलते और वीडियो को शुरू करते। तो गाइज, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले कि जिन लोगों को इस एरिया में पेन होता है, नी के आउटर साइड पेन होता है, उसके लिए हमें मसाज कैसे करना है। अब नी के आउटर साइड जो पेन होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आईटी बैंड पेन सिंड्रोम। जिन लोगों का जो आईटी बैंड होता है, आईटी बैंड के रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने देखा था कि आईटी बैंड क्या होता है, वो कैसे टाइट होता है, किस वजह से लोगों को नी के आउटर साइड पेन होता है, उसके लिए कौन से एक्सरसाइज करनी है, वो भी हमने देखे थे। बट एक्सरसाइज के साथ जिन लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे जकड़न सा फील होता है या फिर टाइटनेस फील होता है और हल्का फुल्का पेन भी होता है चलते टाइम, स्पेशली सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते उस टाइम यहाँ पे पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइजेस के साथ साथ मसाज कैसे करना है ताकि यहाँ का जो भी पेन हो कम हो जाएगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिन लोगों को मिडिल साइड पेन होता है, नी के पीछे वाली रह पे पेन होता है, उसके भी वीडियो मैंने बना के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम देखेंगे जिन लोगों को नी के आउटर साइड पेन होता है उसको कम करने के लिए हमें मसाज कैसे करना होता है। तो जो नी के आउटर साइड पेन होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आईटी बैंड पेन सिंड्रोम। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथ के ऊपर ऑयल को लगा के हल्के हाथों से हमारे लेग्स के ऊपर ऐसे लगा के लेना है। आप लोग आईटी बैंड का पेन अगर आपको हो रहा है, नी के इस वाले एरिया पे पेन हो रहा है, जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हो तो उस टाइम आपको एक्सरसाइजेस तो करने हैं, बट इसके साथ साथ आप ये मसाज थेरेपी भी अप्लाई करो, इससे काफ़ी हद तक आपका जो पेन हो कम हो जाएगा। अब गाइस, सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस एरिया पर अगर आपको पेन हो रहा है तो वहाँ पर डायरेक्टली मसाज अप्लाई नहीं करना, वहाँ पे आपको आइसिंग करना है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपको यहाँ पे आइसिंग करना है ताकि वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगा और पेन कम हो जाएगा। अब जो हमें मसाज करना होता है वो यहाँ से तीन फिंगर छोड़ के, जो हमारे ऊपर मसल होता है यहाँ से करना होता है। तो इस वाले एरिया पे आपको कंपलसरी मसाज नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए। जो ऊपर का हमारे लैटरल मसल्स होते हैं क्वाड्रिसेप्स के, वहाँ पे हमें मसाज करना है, और जो हमारा आईटी बैंड होता है उसके ऊपर हमें मसाज करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, दो थंब की हेल्प से सबसे पहले ये वाला एरिया छोड़ के यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोक लेने वाला हूँ। सबसे पहले हम अंगूठे की थंब की हेल्प से स्ट्रोक लेंगे। अभी जो इनिशियल हम स्ट्रोक ले रहे हैं इसमें प्रेशर थोड़ा कम है ताकि हम मसल को एक बार वार्म करके लेंगे। जैसे मसल वार्म हो जाएंगे उसके बाद हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे रिलैक्स। अब फिर से थोड़ा सा इसके रब करके लेना है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड स्ट्रोक रहेगा हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम हाथ पे ऑयल लेके हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आके छोड़ देना है, यहाँ पे मसाज नहीं करना। मैं थोड़ा क्वाड्रिसेप्स का भी पार्ट इसमें ले रहा हूँ। अब गाइज, ये जो स्ट्रोक मैं ले रहा हूँ ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अब मेरा थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है।
अब हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऐसी पोजीशन में लेटाएंगे जिस पैर में उसको पेन हो रहा है, नी पे बाहर की तरफ पेन हो रहा है, वो पैर ऊपर आना चाहिए और दूसरा पैर नीचे जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस पैर को फोल्ड करके आगे की तरफ इस पोजीशन में उसको लिटाना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा थर्ड स्ट्रोक है, सबसे पहले हमने तो नीचे से ऊपर गए थे, फिर ऊपर से नीचे आए थे। अब थर्ड स्ट्रोक में हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में लिटा के अब दोनों थंब की हेल्प से उसको ऐसे इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। अब इसमें आपका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब गाइज ये काफ़ी पेनफुल होता है, इसलिए आप जो भी जिसको आप मसाज कर रहे हो उसको एक बार पूछिए कि जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो कंफर्टेबल है या नहीं है। पेन तो होगा थोड़ा सा, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि इस पेशेंट को एकदम सही ना हो रहा है। अब कुछ लोग होते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं जिनका ये मसल्स बहुत ज़रा टाइट होते हैं, लैटरल मसल जो होते हैं बहुत ज़रा टाइट होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एल्बो का यूज़ करेंगे। एल्बो को ऐसे ऑयल लगा के इस डायरेक्शन में पे प्रेशर लेंगे। अगेन आपको यहाँ पे मसाज नहीं करना, यहाँ से ऊपर की तरफ करना है। अब हम क्या करेंगे, अगेन सेम एल्बो का यूज़ करके हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। आपको इस वाले एरिया पे मसाज नहीं करना, यहाँ पे आइसिंग करनी और मसाज यहाँ से ऊपर करना। इस चीज़ में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, जहाँ पे पेन होता है उसी पेन के ऊपर मसाज करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से पेन बढ़ भी सकता है। फिर से लास्ट में दोनों थंब की हेल्प से ये मसाज गाइज आपको हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको कर सकते हो। अल्टरनेट डे भी किया तो भी चलेगा, जब तक आपका पेन कम नहीं होता तब इसको कीजिए। उसके साथ साथ जो भी मैंने एक्सरसाइजेस बताए थे आईटी बैंड पेन सिंड्रोम के, हो तो आपको कंपलसरी फॉलो करनी है, बट साथ में मसाज थेरेपी भी आप फॉलो कीजिए, और दोनों की हेल्प से आपका जो भी आईटी बैंड का पेन है वो इमीडिएटली कम हो जाएगा। तो गाइज आई होप आज इस वीडियो में जो भी हमने मसाज थेरेपी देखी जिसकी हेल्प से हम हमारे नी के आउटर साइड वाला पेन कम करेंगे, वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।